नशीली दवाओं का प्रयोग कर जहरखुरानी करके यात्रियों को लूटने वाले गिरोह के दो सदस्यों को बेलीपार पुलिस ने कार सहित गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुखबिर से मिली सूचना पर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने 394 IPC के अभियुक्त घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ कुछ लोगों को बागागाड़ा फोर लेन के पास मौजूद हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संतोष सिंह, उप निरीक्षक अजीत चतुर्वेदी व उप निरीक्षक रविसेन यादव, पुनीत चौरसिया, विवेक तिवारी, रंजना कुमारी को तलब कर मकसद से अवगत कराते हुए मौके पर भेजा, जहाँ से वाहन संख्या UP 53 CN 1015 को घेर कर पकड़ लिया गया। गाड़ी में मौजूद अभियुक्त गोपाल राय, पुत्र उद्गार राय, निवासी बरियाघाट, थाना खगड़िया, जिला खगड़िया, बिहार, तथा पीछे की सीट पर बैठी नीलम देवी, पत्नी राकेश, निवासी कोठा, थाना खजनी, गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उक्त आरोपियों के पास से पुलिस ने 81 की 19 गोलियां और ड्राइवर की सीट के नीचे से 81 नशीली गोली युक्त दूध पाउडर व 2900 रुपये बरामद किए। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वे शहरों से कमाकर आने वाले यात्रियों को अपनी गाड़ी में स्टेशन या नौसड़ में बिठाकर रास्ते में किसी प्रकार से नशा देकर उन्हें लूट लिया करते थे। बरामदगी के आधार पर बेलीपार पुलिस ने विभिन्न धाराओं सहित NDPS एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CEO बांसगांव नितेश सिंह ने कहा, जहर खुरानी से रिलेटेड है और काफ़ी गंभीर किस्म का ये अपराध है। इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और तीसरा महिला का जो पति है राकेश, वो अभी इसमें वांछित है। ये लोग दिल्ली से ट्रेन में सही संभ्रांत पार्टियों को फॉलो करते थे, उनके साथ अच्छे फैमिली रिलेशन बना के गोरखपुर तक फॉलो करते थे, फिर यहीं पर उनके वाहन द्वारा जो पहले से सुनियोजित ढंग से रखा जाता था उसमें उन संबंधित पार्टीज़ को जिसको उन्होंने फॉलो किया था उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के और किसी न किसी या दूध में या अन्य किसी उसमें नशीला पदार्थ मिला के जहर खुराने की हरकत करके उनके साथ लूट करते थे। तो इसमें बहुत ही अच्छा वर्कआउट बेलीपार पुलिस ने, इंस्पेक्टर बेलीपार ने और उनके साथ संबंधित जो भी उप निरीक्षक गण हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सर, इसके पूर्व में भी कई ऐसे जहर खुराने के मामले आए जो बेलीपार थाने क्षेत्र में किया जाता था, स्टेशन पर ला के बेलीपार थाने में फेंका जाता था, तो क्या अब क्या इस जहरखुराने की घटनाओं पे विराम लग पाएगा? मुझे उम्मीद है विराम अवश्य लगेगा और निरंतर प्रयास जारी है हमारे यहाँ से और काफ़ी अच्छे वर्कआउट किया है। इसमें बहुत ही 3-4 अभियोगों को बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया गया है बेलीपार पुलिस द्वारा कार्बाइन रूप में, इसमें बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अभी तक वर्तमान समय में पूछताछ से ये अभी हासिल नहीं है पुराना इनका आपराधिक इतिहास, और ये मोडस ऑपरेंडी के बारे में ये है जो काफ़ी मिलती जुलती एक एक्सटीरियर गैंग की तरफ प्रदर्शित करती है।